हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी निधि में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप मींस इंडियन रिजर्व बटालियन लक्षद्वीप में आप लोग की जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली हुई है इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। जी हाँ, ऑफलाइन अप्लाई होने हैं और टोटल आप लोग की 22 वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। अप्लाई डेट आप लोग की 22/6 से इसके अप्लाई हो रहे हैं और 22/7/2020 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एज इसमें आप लोग की 18 से 37 साल रहने वाली है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ओनली और ओनली यदि आप लोग 10+2 पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप लोग 10+2 अपीयरिंग हैं लेकिन फिजिकल से पहले यदि आप लोग 10+2 का सर्टिफिकेट दे सकते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का फिजिकल रिटेन और मेडिकल के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग को पूरी डिटेल में यहाँ पे देने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप यहाँ पे आप लोग की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप लोग नीचे यहाँ पे नोटिस में देखेंगे रिक्रूटमेंट। जी हाँ, जैसे ही आप लोग रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद ही सबसे ऊपर आप लोग को यहाँ पे एड आ रहा है एप्लीकेशन इन्वाइट फॉर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव इन फिल ऑफ बैकलॉग वैकेंसी ऑफ शेड्यूल ड्राइव इन यूटी लक्षद्वीप। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है, इसके बाद आप लोग का जो है नोटिस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर इंडियन रिजर्व बटालियन में आप लोग की जो हेडक्वार्टर करावती है यहाँ पे आप लोग का बैकलॉग वैकेंसी निकली हुई है शेड्यूल ट्राइब इन IRBNUT ऑफ लक्षद्वीप। तो आप लोग की लक्षद्वीप में जो है इसमें इंडियन रिजर्व बटालियन में आप लोग की कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एप्लीकेशन आर इन्वाइट फॉर एलिजिबल ST, तो आप लोग ST मेल कैंडिडेट हैं ऑफ लक्षद्वीप तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर आप लोग एक्स सर्विस में तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। जी इंडियन रिजर्व बटालियन लक्षद्वीप दमन एंड दीप एंड दादर नगर हवेली में, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप लोग की निकली हुई है, इसमें आप लोग का फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और इसके अलावा ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि रिटर्न एग्जाम होने वाला है। पूरी जानकारी मैं आप लोग को नीचे देने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे डिटेल ऑफ पोस्ट आप लोगों को दी हुई है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। टोटल आप लोग की 22 वैकेंसी रहने वाली है। जी 22 वैकेंसी है लेकिन ये वैकेंसी आप लोग की सिर्फ और सिर्फ ST कैंडिडेट के लिए। सैलरी आप लोग की ग्रेड पे यहाँ पे दे रखी है 5200 से 20200 की। जी हाँ, जैसा कि गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को होता है ग्रुप सी की पोस्ट में। और इसके अलावा आप लोग को डेट ऑफ नोटिफिकेशन जैसे मैंने आप लोग को बता दिया 22/6 से इसके जो ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं और 22/7 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जल्द से जल्द आप लोगों को अप्लाई करना है और अपने फॉर्म को भेजना है। तो इसमें आप लोग डिटेल वगैरह दी हुई है, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जो जैसे मैंने आप लोग को बताया इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह बताया गया है कि पहले आप लोग का जो यहाँ पे होने वाला है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, इसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा और आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। यदि आप लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी चाहते हैं और रिटर्न एग्जाम की जानकारी चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगा। एज जो इसमें रहने वाली है वो आप लोग की 18 से 37 साल रहने वाली है। 1/1/2020 को आप लोग की जो है एज काउंट होगी और अपर एज में आप लोग को रिलीफ मिलेगा यदि आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। तो जी हाँ, इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की वैकेंसी है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया 10+2 पास आप लोग होने चाहिए। जी हाँ, यदि आप लोग 10+2 अपीयरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं 2019-2020 लेकिन जो है आप लोग का फाइनल रिजल्ट जैसा कि मैंने आप लोग को बताया फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के साथ आप लोग को फाइनल रिजल्ट मिल जाना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को जो है अपना फाइनल रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद बारी आती है फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए जो आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है आप लोग की चेस्ट जो है 80-85 होनी चाहिए यानी कि फुलाव के बाद 85 होनी चाहिए और हाइट आप लोग की 165 मांगी गई है। वेट आप लोग की हाइट के अकॉर्डिंग ही होगी। इसके अलावा आप लोग को मेडिकल का स्टैंडर्ड वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे। जब भी आप लोग का मेडिकल होगा उसमें आप लोग को पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप बारी आती है बोनस मार्क्स की। जी हाँ, आप लोग को बोनस मार्क्स मिलेंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में। यदि आप लोग NCC B सर्टिफिकेट है तो 1%, NCC C सर्टिफिकेट है तो 2%, और यदि आप UT स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप लोग के पास 1%, और इसके अलावा नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है तो आप लोग को 2% का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोग को एंड्योरेंस टेस्ट। जी एंड्योरेंस टेस्ट में आप लोग की रेस होने वाली है। रेस आप लोग की 1600 मीटर की होगी जो कि आप लोग की 6.5 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करनी है। यदि आप लोग एक्स सर्विस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को 8.5 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। लॉन्ग जंप आप लोग की 13 फीट की होगी 3 चांस में। एक्स सर्विस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 11 फीट की करना पड़ेगा, ठीक है, 3 चांस में। इसी प्रकार से आप लोग की चिनअप होगी 4
ठीक है, एट सर्विस मैनेज डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 3, शॉर्ट पुट यहाँ पे आप लोग की होगी 7.26 kg और 5.60 meter इन 3 chances। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 4.60 meter इन 3 chances में यहाँ पे करना होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग का जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। हाँ जी, सिर्फ आप लोग को यहाँ पे क्वालिफाई करना है। आप लोग का जो प्रॉपर सिलेक्शन होगा वो आप लोग को रिटर्न एग्जाम के बेस पे होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद आप लोग के रीजन एक रिटर्न एग्जाम की बारी आती है। जी हाँ, आप लोग को पीटी पीएचटी क्लियर करने के बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम जो होगा इसमें आप लोग को पूरा सिलेबस दिया हुआ है। यदि आप लोग प्रॉपर सिलेबस चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक बिल्कुल वन बाय वन आप लोग को जो स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा सिलेबस बना के दे दूंगा। लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन साइंस की नॉलेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक पॉलिटी, द नॉलेज ऑफ कैंडिडेट हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, और लक्षद्वीप की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की जानकारी, 100 क्वेश्चन आप लोग के होंगे, 100 मार्क्स के आप लोग के क्वेश्चन होने वाले हैं और 2 घंटे का आप लोग को यहाँ पे टाइम मिलने वाला। मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पे 40% दिया हुआ है। बाकी सिलेक्शन आप लोग का जो है मेरिट के बेस पे होगा, ठीक है। और इसमें आप लोग के क्वेश्चन होंगे जो आप लोग को हिंदी, इंग्लिश और मलयालम तीनों लैंग्वेज में होने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल मेजरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल टेस्ट, सॉरी रिटर्न मेडिकल टेस्ट, ये आप लोग का होगा, ठीक है। ट्रेनिंग आप लोग की यहाँ पे बता रखी है। इसके बाद जो हाउ टू अप्लाई में मैंने आप लोग को बता दिया, ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं। जी ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं तो आप लोग को सबसे पहले अपने फॉर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको फॉर्म को भरना है आप लोग को। उसमें सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल डालनी है। सारे डॉक्यूमेंट लगा करके आप लोग को जो ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, हेडक्वार्टर कावर्ती, ठीक है, आई इंडियन रिजर्व बटालियन में आप लोग को जो है भेज देना है 22/7/2020 तक, जो कि पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि आप लोग का फॉर्म पहुंचता है तो आप लोग के फॉर्म को कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसी भी पोस्टल डिले का जो है डिपार्टमेंट कोई जिम्मेवारी नहीं लेने वाला है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। साथ में आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, यदि आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई करना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रॉपर आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ, कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग कैसे फॉर्म भरेंगे। इसमें आप लोग को सबसे ऊपर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, रोल नंबर, ये आप लोग को भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग को जो है सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। यहाँ फोटो लगा करके आप लोग को यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करना, आधे सिग्नेचर पर आधे आधे फोटो पे। आप लोग को यहाँ पे नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, जो कि आप लोग के हाई स्कूल के अनुसार होगा। नेम में किसी प्रकार का मिस्टर श्री वगैरह नहीं लगाएंगे। फादर का नेम लिखेंगे जो कि हाई स्कूल के अनुसार होगा। फादर के नेम के आगे भी किसी प्रकार मिस्टर श्री लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, एज लिख देंगे 1/1/2020 को आप लोग की एज कितनी हो रही है, 18 से 37 साल इसमें एज मांगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन लिखना है आप लोग को, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिख देंगे आप लोग, ठीक है। ईमेल आईडी हो तो लिख देंगे, मोबाइल नंबर तो लिखना आप लोग को बहुत जरूरी है। इसके बाद रिलीजन, ठीक है, आप लोग जिस धर्म से आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी जो भी है आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। पोस्ट आप लोग की एसटी के लिए है तो आप लोग यहाँ पे एसटी ही अप्लाई करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट का डोमिसाइल है वो उस स्टेट का नाम आप लोग लिख देंगे। एजुकेशन लिख देंगे, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट कौन सा है, क्लास, ग्रेड, डिवीजन कौन सी आई थी आप लोग को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है, ठीक है। हाई स्कूल, ट्वेल्थ दोनों के नंबर आप लोग डाल देंगे। इसके अलावा आप लोग के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लोग को यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। मैरिटल स्टेटस आप लोग की कौन सी है, मैरिड, अनमैरिड जो भी है आप लोग लिख देंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग की क्या है, हाइट में वो लिख देंगे। वेट में क्या है, चेस्ट कितना है, फुलाव के बाद कितना है, ठीक है, आप लोग लिख देंगे। इसके बाद नॉर्मल विजन वगैरह कितना है और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इफ एनी, यदि आप लोग कहीं वर्किंग में तो आप लोग उसकी डिटेल देंगे जो कि एक्स सर्विस मैन या फिर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी इफ एनी, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है तो उसकी डिटेल दे देंगे। आर यू हैव बीन हैव अ मेंबर ऑफ पार्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप लोग मेंबर वगैरह है तो उसकी डिटेल दे देंगे। क्या आप पहले कभी अरेस्ट वगैरह हुए हैं या फिर आपके खिलाफ कोई केस वगैरह हुआ है तो उसकी डिटेल आप लोग को देनी है। इसके बाद आप लोग आर यू विलिंग, आप लोग अवेयर ओवर ऑर्डर, आप लोग कहीं भी जाने के लिए राजी हो, ठीक है। इसमें आप रीजन वगैरह इसकी जानकारी आप लोग दे देंगे। और इसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आप लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे जो भी पूरा नाम है, ठीक है। ये नाम लिखने के बाद आप लोग नीचे प्लेस लिख देंगे जहां से भर रहे हैं, डेट लिख देंगे, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट लगा करके आप लोग को जो एड्रेस मैंने बताया उसके आप लोग को भेज देना, ठीक है। एड्रेस की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है पहले। यदि आप लोग एड्रेस की जानकारी नहीं है तो आप लोग एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ, ये आप लोग का एड्रेस दिया हुआ है, रिजर्व बटालियन हेडक्वार्टर करावती, ऑफिस OIC इंडियन रिजर्व बटालियन इन द रिस्पेक्टिव आइसोलेट ऑन P4/22। तो इसमें आप लोग को यहाँ पे एड्रेस में भेज देना। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है आप लोग की जो इंडियन रिजर्व बटालियन लक्षद्वीप, दमनदीप और दादर नगर हवेली में जो आप लोग की कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की 22 वैकेंसी निकली है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, एसटी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है तो एसटी वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सभी प्रकार के लिंक मैंने आप लोग को दे रखे हैं, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। कोई जानकारी लेनी हो तो मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो बनाना तो वो भी आप लोग मुझसे कह सकते हैं। और यदि आप लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी लेनी हो तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग को बना दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को सुविधा चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगा कि चैनल बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता हूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।